बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली से पॉश इलाके ईस्ट ऑफ कैलाश में घर में घुसकर बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की घटना सामने आई है। ये घटना बीती रात हुई। 84 साल के मनोहर लाल मदान और उनकी पत्नी विमला मदान ग्राउंड फ्लोर पर अपने घर में सो रहे थे और इसी दौरान लूटपाट के इरादे से कुछ अज्ञात बदमाश उनके घर में घुस आए। लेकिन जब बुजुर्ग दंपत्ति ने बदमाशों का विरोध किया तो बदमाशों ने गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता चिराग गोठी जुड़ गए हैं हमारे साथ। चिराग, अब तक क्या कुछ इन्फॉर्मेशन और निकल कर आ रही है, किस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है? देखिए, एक तो पुलिस ये डिटेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि सीसीटीवी कहाँ लगा है, कि हमलावर कहाँ से भागे, क्योंकि जहाँ इनका घर है उसके पूरे रूट में जो सीसीटीवी हैं वो अब पुलिस एनालिसिस कर रही है ताकि कुछ क्लू बदमाशों के बारे में निकल सके। ये कब की घटना है ये अभी साफ नहीं है, रात की है या सुबह की है, क्योंकि पोस्टमार्टम से साफ हो पाएगा। ये ग्राउंड फ्लोर पर फैमिली जो मनोहर लाल है अपनी पत्नी के साथ रहते थे, जबकि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर उनके बच्चे रहते थे। अभी फिलहाल ये घटना की ऐसा पुलिस का कहना है कि बच्चों को पता नहीं लगा और जब पता लगा तब तक हमलावर भाग चुके थे। बहरहाल अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और ये सीसीटीवी इसमें सबसे अहम है, क्योंकि अगर कोई क्लू पुलिस को मिलेगा तो सीसीटीवी के बदौलत मिलेगा। जी शुक्रिया चिराग आपका इस जानकारी के लिए। इस खबर पर आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। जहाँ तक याद याद आती रहेगी।